सो गाइस 3 बजे उठे हैं आज अभी सोई ना जो कते सो सबसे पहले उठते ही पानी पीने के बाद मैंने चाय चढ़ा दी है, मतलब सबने पानी पी लिया, अब सब चाय पियेंगे, उसके बाद घूमने वगैरह जाएंगे अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज़ देखते हैं। और मम्मी पालक काट रही हैं सुबह। सो चाय बना के दे दी है, अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर अमावस के लिए खाना वो जो बनाते खीर और रोटी वगैरह वो बनाऊँगी। सो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और नींद भी खुल गई है मेरी, और ये मैंने पालक बॉईल करने के लिए रखा है, और साथ ही में मैं अपनी थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, मतलब थोड़ी सी चाय थी उसी में थोड़ा और दूध डाल के चाय बना रही हूँ। पहले पानी पिया मैंने, क्योंकि मैं ब्रश किए बिना कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ, इवन पानी भी नहीं पिया जाता मुझसे। और यहाँ मम्मी थोड़े बर्तन वॉश कर रहे थे जो सुबह ही मतलब हुए थे चाय वगैरह के, और मैंने सोचा मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि आज घूमने तो जाया नहीं गया बिकॉज मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था। 3 बजे उठे और 4 बजे उनको निकलना था, पहले मैं नहाई फिर उनको भी नहाना था, तो इस चक्कर में आज घूमने जाना हुआ नहीं अभी तक, बाद में चले जाएंगे। तो ये मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है गैस पे, पालक को 2-3 सीटी आ गई थी बड़े गैस पे तो छोटे गैस पे रख दिया, और फिर बड़े गैस पे अभी मैंने दूध चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि दूध अच्छे से जब बॉईल होता है पकता है ना तो पानी वो अपने आप ही उड़ जाएगा। और ये तवा रात को मैंने वॉश नहीं किया था, अमावस है आज तो सभी बर्तन रात को वैसे वॉश कर दिए थे, चिमटा परात चकला बेलन एंड ऑल। सो मेरे हस्बैंड का बनाना था खाना, तो मैंने सोचा कि पहले इनका बनाना होगा बाद में वॉश कर दूँगी, बट अभी फिर सोचा कि पहले वो जो अमावस के लिए रोटी बनानी होती है वो बनाएंगे, फिर पराठे बना दूंगी इनके। तो ये साथ ही में मम्मी मुझे कुछ ना कुछ बता रहे थे और मुझे अभी ध्यान नहीं क्या बता रहे थे, तो मैं सब्जी की तैयारी भी साथ ही में करने लग गई प्याज वगैरह के लिए। और अभी ये लेट हो रहे थे, टाइम देखा 4 ऑलमोस्ट बजने ही वाले थे, तो मैंने सोचा फटाफट पहले ये बना देते हैं। खीर अभी बनी नहीं थी अमावस के लिए, तो दूध और चीनी डाल के भोग उसी का लगवा देंगे, और मैं फटाफट से अमावस की रोटी बनाने लग गई। और इतने में मम्मी फिर साथ ही में जहाँ पे जोत करनी है वो जगह को साफ़ करने लग गए थे। सुबह सुबह जब कोई हेल्प करवा देता है ना तो जल्दी हो जाता है काम, अदरवाइज़ और सुबह जल्दी भी बहुत थी हमें, क्योंकि इनकी 5:15 बजे ट्रेन थी और ट्रेन जहाँ से थी वहाँ जाने तक भी 1.25 घंटा लग जाता है। तो अभी ये जोत करने के लिए आए हैं, तो फटाफट से मम्मी बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे करो। वैसे ना हम यूजली ताज़ा पानी भरते हैं, और अभी सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग था तो ताज़ा पानी अभी आता नहीं है, तो ये मैंने कल बॉटल्स भर के रखी थी तो इसलिए इसी में से यूज़ कर रहे थे। और चाय तो मेरी मम्मी ने छान दी थी बट मैं पी ही नहीं पाई, फटाफट इतनी जल्दी थी तो मैंने सोचा अभी पी लेती हूँ, ठंडी हो गई थी तो मैंने एक ही घूंट में फटाफट चाय पी ली, और इनके पराठे भी सीख गए हैं। ओके बाय बाय। और इनके जाने के बाद फिर मैं सब्जी बना रही थी, क्योंकि हमें तो मतलब अपने लिए तो सब्जी बनानी ही थी, इनको तो खाना भी नहीं खाना था, फिर भी हमने ज़बरदस्ती 2 पराठे दे ही दिए। तो ये बहुत सिंपल सी पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तड़के में मतलब जो जीरा अजवाइन हींग और थोड़ी सी सूखी जो मेथी होती है मेथी दाना वो डाला, उसके बाद प्याज हरी मिर्च को ग्राइंड किया और जिंजर गार्लिक पेस्ट बनी हुई थी तो वो डाल दी, उसके बाद टमाटर डाला मसाला पकाने के बाद, और इसमें जो ये मसाले होते हैं वो डाल दिए। नमक मैं थोड़ा पहले डाल देती हूँ जब टमाटर डालती हूँ, तो उसके अलावा मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर ये डाल के फटाफट से मसाला पका लिया, और ये पालक को ग्राइंड करके डाल दिया है मैंने। तो मसाला ना जो प्याज वाला मसाला है वो ज़्यादा रखते हैं ना पालक पनीर में, तो और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, अदरवाइज़ सिर्फ पालक का ही कच्चा सा टेस्ट आता रहता है। तो भी डाल दिया मैंने पालक और अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट ढक के पका लेंगे।
और ये अभी डाल रही हूँ मैं पनीर, और इसी के साथ मेरी सब्जी हो गई है रेडी। और इसको बस 1-2 मिनट पकाऊंगी पनीर डालने के बाद, और फिर कपड़े वॉश करने के लिए डाल देंगे। तो सब्जी मेरी रेडी हो गई है, खीर बन रही है, और यहाँ मैं कपड़े वॉश करने के लिए डालने लगी हूँ। कपड़े जो पहले मशीन में डाले हुए थे ना, वो निकाल रही हूँ, फिर उस हिसाब से डालूँगी कि कौन से पहले वॉश करने हैं कौन से बाद में। वैसे आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही धो लेते हैं। अदरवाइज़ आज तो मेरे हस्बैंड को 4 बजे निकलना था ना, इस वजह से 3 बजे उठे, अदरवाइज़ 5 बजे उठ के होते हैं ये सारे काम। तो 5 बजे उठ के भी सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी को 8 बजे तक जाना होता है। तो 5 बजे उठ के पानी पी के, चाय पी के, ये सब कुछ मतलब करने के बाद फिर घूमने जाते हैं, घूम के भी आ जाते हैं, खाना वगैरह भी बन जाता है। सफाई में सबके जाने के बाद करती हूँ, और अभी कपड़े वॉश हो गए थे तो ये मैं निकाल रही हूँ। और पहली बार में जब निकालते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। मशीन एक तो थोड़े स्टैंड पे रखी हुई है, ऊंची है, और सारे कपड़े एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको खींच के निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। सो गाइज, ये थी सुबह सुबह की जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में बनाई हुई वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी आज सुबह। तो ज़्यादा मतलब जैसे मैं शूट कर पाई मैंने वैसे शूट कर ली, ओपनिंग भी नहीं मैं वीडियो की कर पाई ढंग से। सो अभी वैसे तो अभी 5 नहीं बजे हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना, अभी उठ ही गए हैं तो झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा बाद में लगा लेंगे। कपड़े वॉश हो ही रहे हैं, क्योंकि अभी दोबारा सोते तो फिर एकदम फिर उठा नहीं जाता। तो इस चक्कर में सब्जी बन गई है, खीर ऑलमोस्ट बन रही है, आटा तो गूंदा ही हुआ है, सिर्फ रोटी बनानी है जब मम्मी को जाना है स्कूल। पापा तो गए हैं इनको छोड़ने, वो आएंगे अभी, लग जाएंगे 2-3 घंटे तो उनको वापस आने में। तब तक चलो मैं झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ। सो गाइज, मैंने झाड़ू झूड़ू मार ली थी, झाड़ू झूड़ू नहीं मतलब झाड़ू मार ली थी, और उसके बाद मैं और मम्मी थोड़ा, क्योंकि आज मेरा ज़्यादा दूर घूमने का वो था नहीं, क्योंकि कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैं हम गली में ही थोड़ा घूम लिए। और उसके बाद अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, कपड़े ऑलमोस्ट वॉश हो ही गए हैं, थोड़ा ड्रायर में डाल रहे हैं बस। तो अभी टाइम है भी मे बी अभी 6 ही बजे हैं, तो अभी टाइम है, 7 के बजे मम्मी की रोटी बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। और मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं खीर खा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है खीर। और हम यूजली क्या करते हैं, चावल की खीर में थोड़ी सी सेवी भी डाल देते हैं। और ये देखें, यहाँ ना पानी भर रहा है, जो पीने वाला पानी होता है, और ये सब्जियाँ वगैरह वॉश करने वाला पानी होता है, हम इसी में ही वॉश करते हैं सब्जियाँ वगैरह। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर होता है ये, मतलब सैनिटाइजेशन के लिए भी होता है, तो इसमें सारे जर्म्स और केमिकल निकल जाते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस यही था, सारा हो गया है सब कुछ, पापा आ गए हैं, मेरे पापा खाना भी बना दिया है, हमने खाना खा लिया था, मम्मी चली गई थी, और उनके जाने के बाद मतलब पानी वानी भरना होता है जो कैंगन वाटर है, और उसके अलावा जो कल शाम को सब्जियां लाए थे पापा, तो वो सब्जियां वॉश की हैं एसिडिक वाटर में, उससे जो भी इनमें मतलब जो पेस्टिसाइड्स जो केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं ना, जो भी स्प्रे वगैरह होती है वो सब क्लीन हो जाती है। सो उसमें वॉश करके रख दिए हैं, और कपड़े वॉश हो गए हैं, बिल्कुल सुखा दिए हैं, सारा काम हो गया है, और अब मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, और अभी मैं जाऊंगी सोने। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ दिखा दूँ, मॉर्निंग रूटीन में क्या होता है, सुबह सुबह सब मतलब डेली का ही काम है ये सब जो भी है। सिर्फ मेरे हस्बैंड को आज जाना था, अदरवाइज़ वैसे ही 5 बजे उठ के ये सारा काम चलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके बताते रहा करो नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।